नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस जोमैटो की। इतनी भयंकर गिरावट है शेयर में दोस्तों, मतलब वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों में शेयर को खरीद रहे थे, मतलब इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है शेयर में। और दोस्तों यही कहावत कहा इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी होना और नहीं होने में क्या अंतर होता है। और जब बाजार से लिक्विडिटी जाती है दोस्तों, तो जो सबसे पहला जो कहना चाहिए शिकार बनते हैं स्टॉक, वो स्टॉक बनते हैं जो लिक्विडिटी के कारण जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई रहती है, जिसमें गिरावट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और यही कारण है आप देख रहे हैं कि जोमैटो जो जिसकी लिस्टिंग दोस्तों इतनी बंपर हुई थी, इतनी जबरदस्त रैली की ओर जा रहा था, वो इतनी बुरी कदर गिर रहा है दोस्तों। एक दिन में 9 से 10% की गिरावट दिखा रहा है। चर्चा करेंगे क्या है जोमैटो का पूरा हाल, एक आर्टिकल से हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा गिरावट कहां तक जारी रह सकती है और जोमैटो में आखिर में चल क्या रहा है। तो दोस्तों वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। तो देखिए -11.20 रुपीज, यानी 8.95% की गिरावट, जबरदस्त फॉल है दोस्तों। ये लिटरली में ये गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप देखिए जरा पिछले 5 दिनों में, अगर आपको मैं दिखाऊं इस शेयर ने पिछले 5 दिनों में दोस्तों, आप देखिए अनप्रेसिडेंटेड 15% की ज्यादा से ज्यादा की गिरावट की है, ठीक है। 1 महीनों में आप देखिए 17% ज्यादा गिरावट। आप 52 वीक हाई देखिए, 169 का बनाया है इसने, 169 का 52 वीक हाई है, वहां से शेयर आपको 120 रुपए से भी, 115 से भी नीचे आ गया है। और दोस्तों इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अब 1,00,000 करोड़ से भी नीचे आ गया है। सब जगह निवेशक, वो निवेशक जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, जो हमेशा कह रहे थे यार जब भी गिरावट होगी खरीदेंगे, डरेंगे नहीं, उनकी हालत खराब है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। और डरने वाली क्या बात है दोस्तों, थोड़ी सी डरने वाली बात जरूर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको आगे समझाऊंगा। आप देखिए ये आर्टिकल दोस्तों मिंट का, जिसके थ्रू मैं पढ़ाने बताने की कोशिश करूंगा। जोमैटो शेयर फॉल्स ओवर 12% इन 5 डेज, 5 दिन में दोस्तों 12% ज्यादा गिरावट। शुड यू बाय दिस स्टॉक? देखिए कहानी कहां शुरू होती है। जोमैटो शेयर गॉट लिस्टेड इन जुलाई 2021, द स्टॉक इज अप मोर देन 50% फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस ऑफ ₹76 में दोस्तों ये इशू होता है, 115 की लिस्टिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और 50% का अपसाइड, मतलब आप समझिए क्या जबरदस्त रैली है दोस्तों ये, 50% का अपसाइड, और उसके बाद भी दोस्तों रैली जारी रहती है, 170 को ये टच करता है। अब देखिए इसमें आगे लिखे पाएंगे दैट भाई द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फेल बिलो द 1,00,000 करोड़ मार्क, द स्टॉक गॉट लिस्टेड इन जुलाई 2021 इज अप मोर देन 50% फ्रॉम इट्स इश्यू प्राइस, द शार्प करेक्शन विटनेस इन द रिसेंट लिस्टेड इंटरनेट एंड टेक स्टॉक लाइक जोमैटो आर ड्रिवन प्राइमली बाय मोर देन 10% करेक्शन इन नैस्डैक ओवर द लास्ट मंथ। पिछले एक दिन में दोस्तों आप देखिए, पिछले कहना चाहिए एक मंथ में नैस्डैक यानी यूएस की स्टॉक की बात हो रही है, 10% ज्यादा का करेक्शन वहां आया दोस्तों, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो लिक्विडिटी है, जो कहना चाहिए, जो न्यूज निकल गया है कि जो यूएस के सेंट्रल बैंक हैं वो अपना दोस्तों जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण जो पैसा है वो डेवलपिंग नेशन से जा रहा है। वो निवेशक जो जोमैटो में है शायद वो वहां से पैसे निकाल रहे हैं, अब सबके सब दोस्तों लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी से। और बॉन्ड यील्ड जो 1.87 यानी अब तक के और जबरदस्त शार्प राइज किया गया है, इन्फ्लेशन के नंबर यूएस में 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा डर लोगों को ये सता रहा है सेफ इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए लोग बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं और जो बाजार से पैसे लगातार दोस्तों बाहर जा रहे हैं। विथ एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टेक इन्वेस्टर्स सीम टू टेक मनी ऑफ द टेबल फॉर द टाइम बीइंग। मैंने कहा ना दोस्तों जो ये रेट इंटरेस्ट रेट हट बढ़ रहे हैं ना बॉन्ड यील्ड के, उसके कारण जो कहना चाहिए जो इन्वेस्टर है टेक इन्वेस्टर, वो अपना पैसा कुछ समय के लिए निकाल करके सेफ इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हैं। विथ ऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स वी डू नॉट सी एनी शार्प रिबाउंड इन द टेक स्टॉक। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों, अभय अग्रवाल कह रहे हैं, फाउंडर एंड फंड मैनेजर पीपल सेप्रा के, सिरिका के। तो देखिए दोस्तों जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वही अपना मान ले जाएंगे, तो जब आप दोस्तों किसी फुग्गा होता है, कोई फुग्गा होता है देखे होगा, उसमें जब हवा भरते हैं ना दोस्तों, उसमें हवा भरते रहिए तो जबरदस्त फूल जाता है दोस्तों वो, ठीक है। ज्यादा हवा भरिए
तो भी काफी फूल जाता है, लेकिन जब आप हवा निकालेंगे ना, वही हाल हो रहा है। या किसी गुब्बारे से हवा निकालते हैं, वो किस तरह जल्दी से अंदर श्रिंक होता है दोस्तों, वही हाल अभी जोमेटो के साथ हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए आप। सिंस द कंपनी इज वेल फंडेड एंड हैज प्रॉफिटेबल यूनिट लेवल मेट्रिक, वी आर नॉट वरीड अबाउट द करेक्शन वैल्यूएशन, बट टेक कंपनीज दैट डू नॉट हैव अ क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी विल नॉट सी देयर प्राइस रिकवरी इन हरी। ठीक है दोस्तों, जोमेटो के साथ दोस्तों एक हरी ये है कि इनकी जो बिजनेस लाइन है वो काफी अच्छी है, तगड़े पैसे हैं इनके पास, अच्छी बैलेंस शीट है, और कहना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी की आने वाले समय हो सकते। देखिए मैं बताऊं आपको, तुरंत प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी दोस्तों जोमेटो का जो इस बार माफ कीजिएगा, जोमेटो का जो इस बार रिजल्ट आएगा शायद उसमें उसमें भी आपको घाटा दिखाई दे, इसी कारण शेयर में गिरावट जा रही है दोस्तों। नाउ टेक्निकल सेटअप इन जोमेटो शेयर लुकिंग वीक एज द स्टॉक इन अ बेयरिश फॉर्मेशन व्हिच मे ड्रैग स्टॉक डाउन टू 112 टू 10। दोस्तों 111 तो थोड़ी दिया, 111 मेरे ख्याल से कितना चल रहा है दोस्तों आज, ये 114 रुपए तक आ ही गया है दोस्तों ये। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी आर नॉट सपोर्टिंग द ग्रोथ, जो कंपनी की देखिए वैल्यूएशन, उसी में मैं कहता हूं भाव भगवान है ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों। ठीक है, और अपने भाव से बहुत ज्यादा चला गया दोस्तों ये, इसीलिए मैं कहता हूं यूफोरिया के पीछे नहीं भागना है दोस्तों। अच्छी कंपनी जब तक नीचे नहीं आ जाती इंतजार कीजिए, वो आएगी। ठीक है, वो अगर देखिए अगर कोई बिजनेस ऐसे टर्न अराउंड आ गया है या अचानक से सेक्टोरल डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो जबरदस्त भागता है, और आने के चांसेस होते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन को लिक्विडिटी का बढ़ाया जाता है, जैसे कि जोमेटो, उसमें गिरावट होती है ना जब दोस्तों, तो बहुत शार्प होती है। और देखिए जोमेटो इज फेसिंग टफ कॉम्पिटिशन बाय स्विगी इन मेनी टर्म्स, मेनली हैविंग अ थिनर मेट्रो रेस्टोरेंट नेटवर्क एंड डेंसिटी वर्सेस स्विगी, वी रिकमेंड इन्वेस्टर टू मेंटेन द सेल पोजीशन इन द स्टॉक। रवि सिंह का यही कहना है दोस्तों कि भैया जोमेटो थोड़ा सा सेल साइड रखें। आगे इसमें दोस्तों देखिए, द न्यू जीएसटी रूल दैट केम इन टू इफेक्ट इन फ्रॉम जनवरी 1 हैव मेड फूड डिलीवरी ऐप लाइबल टू पे 5% टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम आफ्टर टैक्स इन्फ्यूज ऑन एग्रीगेटर द कॉस्टिंग हैव बीन इंक्रीज्ड एंड लॉकडाउन इज नॉट गेटिंग प्लेस इज ऑल्सो नॉट गेटिंग प्लेस जोमेटोज स्टॉक टेक्निकली ऑन लुक वीक इन्वेस्टमेंट के कीप ए स्टॉप लॉस ऑफ 127 विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 90। दोस्तों सभी लोग सेल के टारगेट दे रहे हैं, 90 रुपए के दोस्तों टारगेट दिए जा रहे हैं शेयर में। ठीक है, और गिरावट जारी है, और मुझे पास नहीं लगता दोस्तों अगर 90 आता है ना एक अच्छी बाइंग हो सकती है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये एक वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है दोस्तों, ये आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट नहीं देगा। अगर जब ये भागेगा जबरदस्त भागेगा, लेकिन अभी गिर रहा है दोस्तों, टेक्निकली वीक है, हर जगह से लिक्विडिटी जा रही है। अगर 90-80 के पास आता है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर होराइजन बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, और उस लॉन्ग टर्म ये शायद 2 महीना साल भर भी हो सकता है या 2 साल भी। ठीक है, और सुमित बगाड़ी ऑफ चॉइस ब्रोकिंग सेड द स्टॉक कैन टेक्निकली ब्रेक डाउन बिलो 120 लेवल्स एंड हैज द पॉसिबिलिटी टू रीच 100 रुपीज पर शेयर इन नियर टर्म। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, और फॉर मी शेयर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट से लिक्विडिटी गायब है दोस्तों, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा जोमेटो जैसे स्टॉक भरेंगे जिनकी वैल्यूएशन इनकी ओरिजिनल वैल्यूएशन से काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी। तो वो निवेशक जो एक लॉन्ग टर्म में निवेश देख रहे थे, ये गिरावट का मौका काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों, लेकिन प्लीज अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तभी। आप देखिए जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, जो नेक्स्ट जेन के दूसरे टेक है उसमें लगातार गिरावट जारी दोस्तों, उसमें लगातार सेल ऑफ जारी है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं बिल्कुल निवेश कीजिएगा दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, 100 रुपए के आसपास जब तक नहीं आता शेयर दोस्तों तब तक प्लीज कोई पोजीशन नहीं बनाएगा, थोड़ा मार्केट को सेटल डाउन होने दीजिए, भले ही थोड़ा ऊपर लीजिएगा लेकिन थोड़ा खतरे के बदल हटने दीजिए, वरना शेयर कहां जाके रुकेगा ये कोई नहीं बता सकता। और दोस्तों अगर आप मेरे साथ वीडियो में यहां तक जुड़े हैं, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहेंगे, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।